ये जो आप मेरे हाथ में शीट देख रहे हैं, ये वैसे तो फ्रिज के ऊपर लगती है, ये मैंने शॉप से ली है। और मैं आपको बताती हूँ मैंने किस मकसद के लिए ली है। ये जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने शीट्स बिछाई हुई है ना, आपको नज़र आ रही होंगी, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तकरीबन ये तीसरा साल जा रहा है इनको, तो अब इनकी फोत होने का टाइम हो गया, मतलब ये मर चुकी हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, मैंने शॉप वाले अंकल को ये शीट दिखाई, मैंने कहा ये मुझे साइज़ चाहिए तो इस साइज़ की दे दें, तो वो कह रहे थे अब बेटा इसको फेंक दो, अब इसको कितना को यूज़ करोगे, उसकी जान लेनी है आपने। ये देखें, ये वैसे ख़राब ना होती, ये जन्नत ने ख़राब की है, इसको खींच खूँच के तो उसने फाड़ दिया हुआ है। और ये जब हमने शिफ्टिंग की थी ना यहाँ से, ये इतना सा, एक मिनट मैं जूम कर लूँ, फोकस कर लूँ ज़रा, जब हमने की थी ना शिफ्टिंग, आपको दिखाती हूँ, ये देखें, तो ये ख़राब हो गया था थोड़ा सा। अभी मैं इसको पेंट तो नहीं कर रही, इसको कुछ भी नहीं कर रही, तो मैं बस इसके ऊपर ना शीट लगाने लगी हूँ। ये वाली शीट जो है ना, ये फ्रिज के लिए यूज़ होती है, फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए। बेसिकली ये एक स्टिकर सा है, तो वैसे तो मैं सारा तो इसके ऊपर नहीं चिपकाऊंगी क्योंकि ये और ख़राब ना हो जाए, मैं बस इसकी साइड पे ना इतना इतना इसको चिपकाऊंगी ताकि ये उसके ऊपर लगा रहे, और पानी वगैरह या कुछ भी, वैसे मैं बड़ी केयर करती हूँ, ऐसे होने नहीं देती कि पानी छानी ऊपर कुछ भी गिर जाए। तो फिर उसके ऊपर ये वाली शीट बिछाऊंगी, ये वैसे ये बड़ी प्यारी लग रही है। पहले मैंने ली थी वो सिंपल में थी, ऐसे पहले मैंने सोचा बिल्कुल सादी ले लूं, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी तो जगमग सी होनी चाहिए, इतनी सादगी क्या करनी है हमने। ये देखें बड़ी प्यारी लगेगी, वो गोल्डन जो है वो इसके नीचे आ जाएगी। जब भी कोई इसके ऊपर फर्नीचर के ऊपर खराश आती है ना, तो मुझे लगता है सीधी मेरे दिल के ऊपर चोट लगी है, बड़ा अजीज़ है। मैं इसको साफ़ सुथरा करके तो ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकती कि मैं बस इसको ऐसे ही छोड़ दूँ और ये ख़राब होता रहे, उसके लिए मैंने ये शीट लिया। तो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, साथ साथ रिकॉर्डिंग देखती हूँ कर पाई तो। ये मैंने जन्नत का टेडी बियर भी वॉश किया था, ये बड़ा माशाल्लाह साफ़ सुथरा आ गया, बड़ा चमक रहा है ये अब। और जो ये शीट है ना, इसका आपको मैं सीन बताती हूँ, ये जन्नत इसको सारा दिन यूं पकड़ती है, खींच के नीचे मारती है। अभी नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी हो रहा है नमी की वजह से, तो मैं सोच रही हूँ कि वो पेपर इधर चिपका दूँ बिल्कुल ही। पहले मैंने सोचा था ये शीट है ना इसके साथ चिपका दूँ बिल्कुल, ये देखें, लेकिन ना नमी, बारिशों की वजह से नमी आ रही है, उनमें आपको नमी चेक करवाती हूँ। ये देखें, तो ये वाली भी मैं शीट इसके ऊपर से उठाने लगी हूँ, वो जो मैं लेकर आई हूँ ना नेट में, वो ऊपर लगाती हूँ, मेरे बाजू पे पता नहीं क्या हो गया, हाय ला। ये देखें, ये एक साइड की पूरी हो गई है अभी, इसी तरह परी चुप करो, ये एक साइड की पूरी हो गई है, अभी मैं सारी टेबल्स की काट लूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। ये काम तो अभी बीच में ही है क्योंकि परी उठ गई, अभी परी खेल रही है, बाद में फ्री होंगी तो फिर ये देखूंगी। बाहर बारिश शुरू हो गई है, अभी सुबह यहाँ से साफ किया था सारा, ये बारिश आ गई है। चलो जी बंद करें इसको, सेटिंग मेटिंग सारी इधर ही रह गई है, अभी चलते हैं जी बाहर जाके कपड़े डालते हैं क्योंकि बारिश आ गई है, बाहर तो नहीं डाल सकते, इधर कपड़े डालूं। और यहाँ पे साथ साथ दूध बॉयल हो रहा है, वो भी मैंने रख दिया है, इतने सारे काम मेरे एक साथ जमा हो जाते हैं फिर वीडियो नहीं बन पाती। ये देखें बाहर हो रही है बारिश, और ऊपर वालों के कपड़े गिर रहे हैं नीचे आके, पूरी गली सुनसान पड़ी है, ऐसे जब भी बारिश आती है बच्चे खेल रहे हैं, शायद बच्चे स्कूल चले गए, बहुत अच्छा हो गया ये तो, इतना शोर डालते हैं यहाँ पर खड़े होके। ये ऊपर से चीज़ें आ रही, नीचे कपड़े गिर रहे हैं, और यहाँ से वो पानी बंद हो गया। अभी मैं ये कपड़े डालूँ जरा तार पे, ड्राइंग रूम में भी कपड़े पड़े हैं, बहुत कपड़े हैं, हर जगह पर आपको कपड़े मिलेंगे। जब भी बारिश हो रही होती है ना, फिर मैं कपड़े सारे इधर ड्राइंग रूम में इधर उधर करके फैला देती हूँ। ये फूल वैसे सूख गए हैं, मैंने अभी तक फेंके नहीं, मेरा दिल नहीं करता फूल फेंकने को, तो अभी कपड़े सारे इधर फैलाती हूँ। आज हमने बनाए हैं चने, और उसके बाद हम करेंगे अपना लंच, काफ़ी टाइम हो गया है और जो मैंने काम करना था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, आगे से आगे काम शुरू हो गए हैं।
और ये आ गई जी फाइनल लुक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा यहाँ पे सेट हो गया, 4 घंटे लगे मुझे इस काम में। बीच में बार बार जन्नत आ रही थी, अपने काम करवाई जा रही थी। ये देखें, ये आ गई फाइनल लुक। जो ये वाली शीट है ये जन्नत ने यहाँ पे रहने तो नहीं देनी, पर मैंने अभी बिछा दी है। क्या लेकर आई हो? ये अम्मी की है, देख रहा हो। चलो शाबाश।